वेजिटेबल है उसको हम कैसे सिंपल तरीके से याद करें, चलिए मैं आप लोगों से काम लगाएंगे। शुरू करते हैं, हमारे पास देखिए एक टेबल है, इसमें क्या बाइनरी नंबर ऑक्टेल एग्जा और एग्जा डेसिमल तीन हुआ है। अब शुरू में हम क्या करेंगे, उसके बाद शुरू में सबसे पहले हम बाइनरी नंबर लिखेंगे, बाइनरी नंबर लिखने के बाद उसके बाद ऑक्टेल, उसके बाद डेसिमल और उसके बाद एग्जा डेसिमल, फिर हम बाइनरी नंबर लिखेंगे। बाइनरी नंबर कैसे लिखेंगे, तो शुरू में क्या करेंगे, हम स्टार्ट करने से पहले बाइनरी नंबर को शुरू में सब लिख लेंगे। तो बाइनरी नंबर कैसे लिखे, तो शुरू में 8 0 लिखेंगे, 8 0 जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखिए 8 0 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम 8 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, 4 0 लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 4 0 हो गया। उसके बाद 4 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 4 0 लिखेंगे, 4 1 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 0 लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे, 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 और 2 1, फिर लास्ट में क्या करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। देखिए हमारा बाइनरी नंबर कितना सिंपल तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बाइनरी नंबर कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करेंगे हम, अब ऑक्टेल में चलेंगे। ऑक्टेल में जाने के बाद कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 7 आने के बाद एक बार क्या, 7 के बाद एक बार क्या होगा, 10 होगा, 10 11 12 13 14 15 16 और 17। उसके बाद क्या हम चलेंगे डेसिमल, डेसिमल में भी 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए यहाँ पर चेंज नहीं हो, डेसिमल में कहीं भी चेंज नहीं होगा, शुरू से लेके एक बार अंत 15 में अंत होगा। देखिए अब फिर क्या करेंगे हम हेक्साडेसिमल में चलेंगे, हेक्साडेसिमल में भी 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 को क्या लिखते हैं हम, 11 को क्या लिखते हैं बी, 12 को सी, 13 को डी और 14 को ई और 15 को एफ। देखिए हमारा कंप्लीट टेबल हो गया है, कितना जल्दी हो गया है और सिंपल तरीका है याद करने के लिए। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो कभी आप लोगों का याद करना नहीं पड़ेगा टेबल और जल्दी बना लेंगे 2 मिनट में। शुरू में क्या किया हमने, पहले बाइनरी नंबर लिख लिए, बाइनरी नंबर में क्या किया, 4 0 8 0 लिख लिए और 8 1 लिख लिए, उसके बाद 4 0 4 1 4 0 4 1, उसके बाद क्या किया, 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 लिख लेने के बाद फिर लास्ट में क्या किया, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये बाइनरी नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑक्टेल में देखिए सिंपल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 पर जाने के बाद एक ही बार कहाँ पर आ गए हम, 10 पर। यहाँ पर याद रखने का, यहाँ पर आप ये एक स्टेप आप लोगों का याद रखना पड़ेगा, एक 7 के बाद एक ही बार 10 होता है ऑक्टेल में, और सारे डेसिमल में तो 10 कहीं पर नहीं होता है, और डेसिमल में 10 को ए लिखे है, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। बस आज के लिए इतना ही।